गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की एक और फैक्ट्री ने ले ऑफ का नोटिस लगा दिया है। फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फैक्ट्री के बाहर 300 मजदूर बेबसी के आंसू लिए खड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि अब उनका क्या होगा। रविवार तक कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन जैसे ही सोमवार को फैक्ट्री में पहुंचे, उन्हें फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। फैक्ट्री पर मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला है। जी सर, क्या नाम है आपका, अपना परिचय बता दीजिए। मैं ईश्वर सिंह त्यागी, CI2 का प्रेसिडेंट, ट्रांसजेंडर क्षेत्र का, और यहाँ ये इंजीनियरिंग उद्योग यूनियन हमारी यहाँ है, इंजीनियरिंग कारखाना है ये जी। ये जो है गाड़ियों के और ट्रैक्टर के जो है गियर बक्सा बनाती है। अच्छा। जो गाड़ियों का गियर बक्सा बनता है उसका यहाँ काम होता है, है। और ये कारखाना लगभग 1972-73 से चालू है जी। और इसमें हमारा सन 1990 से हमारी जो है रजिस्टर्ड गाजियाबाद जिले की जो यूनियन है उस यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ। और कल अचानक संडे में, शनिवार में पूरे टाइम वर्किंग डे हुआ है और संडे में कल दोपहर में अचानक यहाँ पे जो है ले ऑफ का नोटिस लगा दिया गया है। कहीं किसी को कोई सूचना नहीं है, कहीं किसी तरह से कोई यूनियन से कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कहीं कोई परमिशन ली गई है। गैर कानूनी है, मतलब एक तरह से ले ऑफ का नोटिस लगाया गया है। यहाँ जो है ये मान के चलिए आप, हमारे जो है 200 साथी परमानेंट है, स्थायी रूप से काम करते हैं, और लगभग 100 आदमी हमारे कैजुअल और ठेकेदारी में काम करते हैं। तो 300 साथी हमारे यहाँ आज बेरोजगार हो गए हैं, और जो अचानक सुबह ड्यूटी आए हैं तो पता लग रहा है कि ये ले ऑफ का नोटिस यहाँ लगा है। और साथियों में इतना रोष है, आपके सामने है। और वैसे ही लॉकडाउन के चलते पिछले 2-3 महीने से लोग मजदूर भूखा मर रहा है, और अचानक ऐसे में फैक्ट्री चलती हुई फैक्ट्री को फिर दोबारा ले ऑफ लगा दिया गया है, तो मजदूर कहाँ जाएगा, क्या करेगा इसे। लॉकडाउन में ये लोग तो नहीं आ रहे होंगे तब तो। लॉकडाउन में सब लोग ये आए हैं, गेट पर फैक्ट्री चल रही थी। अच्छा, शनिवार तक फैक्ट्री चली है। अच्छा। कल संडे में नोटिस लगा दिया है, किसी को सूचना नहीं, कोई बताया नहीं है। अच्छा। गैर कानूनी नोटिस है। एटलस के बाद तुरंत ये कितना बड़ा आघात है आप लोगों के लिए। ये हमारे मजदूर के ऊपर इतना बड़ा आघात है, शायद जीवन में कभी कहीं हमने सोचा नहीं था। अब इतना बड़ा आघात इस सरकार में ये उद्योगपति ऐसे माहौल को पैदा करेंगे और कितने बेरोजगारी एक साथ फैला देंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है अब ये लो आपका नोटिस तुरंत खत्म करा जाए और मजदूरों को ड्यूटी लिया जाए। सबसे पहले साथियों को रोजगार दिया जाए। अभी यहाँ जो है मई माह का वेतन नहीं मिला है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस